हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये नेक वार्मर बनाना बताऊँगी। ये नेक वार्मर नेक के साथ साथ चेस्ट एरिया को कवर करता है, चेस्ट को भी गर्म रखेगा। जब जब बच्चे या बड़े कॉलर वाला शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं तो उनका ये बीच का एरिया जो है नेक का ओपन रहता है, तो ये उस एरिया पर अच्छे से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ठंड से बच्चे बच सकते हैं। ये इस तरीके का डिज़ाइन है सेंटर एरिया में, और ये नेक पोर्शन ऐसा है। मैंने यहाँ पे छोटे स्नैप बटन्स लगाए हैं, चिट बटन लगाए हैं। आप के पास बड़े हो तो बड़े बटन लगा सकते हैं, चिट बटन। आप हुक भी यूज़ कर सकते हैं, बट चिट बटन ज़्यादा सूटेबल रहता है। ये साइज़ मैंने अपनी 6 साल की बिटिया के लिए बनाया है मैंने ये नेक वार्मर। आप चाहें तो इसी सेम तरीके से, बस अगर आपको मेन का बनाना है या अपने हस्बैंड का बनाना है तो किसी आदमी के लिए बनाएं, तो ये आप इस एरिया को, इस पोर्शन को थोड़ा और बड़ा निट करें, मतलब ये ज़्यादा फंदे लें। मैंने 75 लिए हैं, तो आप उसकी जगह 90 लूप्स लें, 90 फंदे लें। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 75 लिए हैं, और ये मैंने 25 लूप से बनाया है, ये एरिया स्टार्ट किया है। तो 25 की जगह आप 35 लूप्स लें और निट करें, तो ये इतना बड़ा बनेगा लगभग, और थोड़ा सा लंबा बनाएं बड़ों के लिए, और ये फिर आपके हस्बैंड के लिए पूरा सूटेबल नेक वार्मर बन जाएगा। ये फ़िलहाल मेरी 6 साल की बिटिया का है। ये साइज़ जो है लगभग 4 साल से बच्चे के, 4 साल के बच्चे से लगभग 10 साल तक का, 12 साल तक का बच्चा आराम से इस साइज़ को पहन सकता है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस नेक वार्मर के लिए मैंने 75 लूप्स लिए हैं। इस तरीके से मैं हर लूप को सीधा बुनाई करूँगी, इस फर्स्ट रो को कंप्लीटली नेट कर लूँगी। फर्स्ट रो राइट साइड रो कंप्लीटेड। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड को कंप्लीटली हम इस तरीके से पर्ल निटिंग उल्टी बुनाई कर लेंगे। इस तरीके से राइट साइड से सीधा बुनते हुए और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई करते हुए हम इस पार्ट को आगे तक बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया है। मैं इसको मेजर करके बता देती हूँ आपको। इसकी हाइट 3.5 इंच है। आप चाहे तो इस पार्ट को और भी ज़्यादा हाइट का बना सकते हैं। मैंने 3.5 इंच हाइट का बनाया है। अब इतना बनाने के बाद यही एरिया है जो कि फोल्ड होगा इस तरीके से। फिलहाल हम यहाँ पे 25 लूप्स को क्लोज कर देंगे इस तरीके से। हम डिक्रीज कर रहे हैं 25 लूप्स को। ये सेकंड लूप डिक्रीज किया मैंने, ये थर्ड लूप डिक्रीज किया मैंने, फोर। इस तरीके से डिक्रीज करते हुए मैं टोटल 25 लूप्स को डिक्रीज कर लूँगी, घटा लूँगी। 25 लूप्स को हमें यहाँ पे घटाना है।
ये देखिए ये इस तरीके से नज़र आएगा यहाँ पे। ये मैंने 25 लूप्स को घटा लिया है, डिक्रीज कर लिया है अब मैं यहाँ पे 25 लूप्स को निट कर लूँगी। ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, 25 लूप्स को मैंने यहाँ पे निट कर लिया है सेंटर पार्ट के लिए। 25 के बाद इसको हम अलग कर लेंगे इस तरीके से और दो फंदे और एक्स्ट्रा टू लूप्स को निट करूँगी और इस तरीके से डिक्रीज़ करना शुरू कर दूँगी। सेम प्रोसेस डिक्रीजिंग का, ये देखिए इस तरीके से डिक्रीज होने लगा है। ये 25 लूप्स हैं सेंटर के, हमने 25 लूप्स यहाँ पे डिक्रीज़ किए, सेंटर में 25 लूप्स को रखा है और अब यहाँ पे हम 25 लूप्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं सेम मेथड से। तरीके से ये डिक्रीज होने लगेगा। ये इस तरीके से हमारा कंप्लीटली डिक्रीज हो गया, साइड का पोर्शन भी। इस धागे को कट कर लेंगे, इसको हम बाद में हाइड कर लेंगे। अब ये सेंटर के 25 लूप्स हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड निट करेंगे। अब मैं रॉन्ग साइड से अपना लूप अटैच अपना धागा अटैच करूँगी। सभी फंदों को पर्ल नेटिंग कर लूँगी, उल्टा बुनाई करके इस रो को फिनिश करूँगी। रॉन्ग साइड रो कंप्लीट हुई, राइट साइड रो पे अब हम पहले फंदे को स्किप करेंगे और टोटल 10 लूप्स को निट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 10 लूप्स को निट करने के बाद यहाँ पे हम दो लूप को ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद हम इस तरीके से धागे को यार्न ओवर करेंगे, इस तरीके से घुमा के यहाँ पे एक फंदे को इंक्रीज़ करेंगे या कह लें जाली बनाएंगे। एक फंदा इंक्रीज़ हो गया देखिए ऐसे, और अब इसको नेट करेंगे। इसको देखिए इस फंदे को, इस वाले फंदे को ऐसे नीट करेंगे इस तरीके से, और अब इसको, और ये फंदा सेंटर लूप रहेगा। ये सेंटर लूप कौन सा फंदा है, ये इधर, ये हमारा 12th and 13th लूप है, ये सेंटर का इधर से 13th है, उधर से भी 13th है, तो ये सेंटर लूप हुआ। ये सीधा सीधा निट किया जाएगा हमेशा, और अब सेंटर लूप के इस साइड हमने दो फंदों को क्रॉस किया था, अब सेंटर लूप के इस साइड भी हम दो फंदों को क्रॉस करेंगे।
इस तरीके से, और ऐसे लेके इसको निट कर लेंगे। और फिर हम जाली बनाएंगे, एक फंदा इंक्रीज करेंगे इस तरीके से करके। तो हमने क्या किया, सेंटर लूप के ये जो सेंटर लूप है ये वाला, इसके इस साइड दो फंदों को क्रॉस किया और इसके इस साइड दो फंदों को क्रॉस किया और जाली बनाई है। सेंटर लूप के दोनों साइड हमने एक फंदे को इंक्रीज यानी जाली बनाई है और क्रॉस किया है दो फंदों को। बाकी फंदों को तो प्लेन नेट कर लेना है हमें। इस तरीके से रॉन्ग साइड रो पे हैं हम। पहले हम इसको टाई कर लेते हैं वरना ये ओपन हो जाएगा। रॉन्ग साइड रो में कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल प्लेन निटिंग करनी, पर्ल निटिंग करनी है। उल्टी बुनाई करते जाएंगे सभी फंदों को। इस तरीके से, और जब जाली आएगी तो इसको आप यहाँ से निट करिएगा, यहाँ से मत करिएगा, यहाँ से निट करिएगा। चाहे तो अगर यहाँ से ये पिक नहीं हो पा रहा है तो इसको ऐसे घुमाते हुए लाएंगे तब निट करेंगे। पर्ल निटिंग करनी है सभी फंदों को, चाहे वो जाली हो, चाहे वो सेंटर लूप हो, चाहे साइड लूप हो। एक बार फिर देखिएगा, यहाँ से ये पिक नहीं हो पाता है तो ठीक है, अगर ना पिक हो इधर से तो इसको ऐसे घुमा के पिक करिएगा, ठीक है। अदरवाइज यू कैन पिक इट फ्रॉम हियर। ये काम हमें हर रॉन्ग साइड रो पे करना है। रॉन्ग साइड रो हमेशा ऐसी ही निट की जाएगी। रॉन्ग साइड रो कंप्लीट हुई, राइट साइड रो पे हैं। एक बार फिर से देखिएगा मैं ये पैटर्न कैसे बनाऊंगी। मैं पैटर्न भी बना रही हूँ और लूप्स को इंक्रीज भी कर रही हूँ यहाँ पे। इस बार हम 10 लूप्स की जगह 11 लूप्स को नेट करेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे लूप्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 11 लूप्स को निट करने के बाद हम, ये सेंटर लूप है हमारा, इन दो लूप को हम क्रॉस करेंगे। इसको ऐसे चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद हम पहले जाली बनाएंगे यानी कि लूप इंक्रीज करेंगे, देन नेट करेंगे ऐसे। अब सेंटर लूप को नेट करेंगे, फिर से यहाँ पे फंदों को क्रॉस करेंगे। इस बार आगे से लेंगे, ये वाला पीछे से। ये प्रोसेस हमें हर राइट साइड रो में करना है। और अब जाली, और अब साइड के 11 लूप्स को हम नेट कर लेंगे। तो हर राइट साइड रो को ऐसे ही बनाते जाना है और ये पैनल इंक्रीज होता जाएगा। और रॉन्ग साइड रो तो मैंने आपको बता ही दी है कैसे बनानी है। तो इस तरीके से बनाते हुए हम अपना ये पैनल निट करेंगे। मैंने इतना निट कर लिया है, ये कितने डिज़ाइन के पैटर्न हैं वो मैं काउंट कर देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 17 डिज़ाइन तक मैंने ये बनाया है। अब मैं लास्ट में
कुछ रोज़ को पर्ल निटिंग करूँगी। अब मैं सीधी बुनाई नहीं करूँगी, उल्टा बुनाई करूँगी और इस रो में किसी भी फंदे को इंक्रीज या क्रॉस नहीं करूँगी, डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी, सिंपल पर्ल निटिंग उल्टी बुनाई करती जाऊँगी। ये मैंने राइट साइड रो कंप्लीट की पर्ल निटिंग करते हुए। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, रॉन्ग साइड पे भी मैं उल्टा ही बुनाई करूँगी और इस तरीके से मैं टोटल 3 रोज़ निट कर लूँ, पर्ल निटिंग कर लूँगी। 3 उल्टी बुनाई वाली रो बना लाइनें बना लूँगी। सेकंड में बना रही हूँ, यानी कि थर्ड रो जो होगी राइट साइड से होगी उल्टी बुनाई की। सेकेंड रो कंप्लीटेड, थर्ड रो ऑफ पर्ल निटिंग। राइट साइड रो है ये। मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हुई। अब मैं रॉन्ग साइड रो पे हूँ, रॉन्ग साइड रो से मैं फंदों को घटाना शुरू करूँगी, डिक्रीज करना शुरू करूँगी। इस तरीके से निट करेंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से करते हुए, इस तरीके से पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को ऐसे कर देंगे। इस तरीके से हम सभी फंदों को डिक्रीज कर लेंगे, घटा लेंगे, एक एक फंदा निट करते जाएंगे और घटाते जाएंगे। ये इस तरीके से फिनिश हो गया है। ये कितनी सुंदर फिनिशिंग लाइन आई है यहाँ पे, जिस तरीके से हमने घटाया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कलर डिफरेंट कैसे है इससे। एक्चुअली मैं क्योंकि लेफ्ट ओवर ऊन से इस नेक वार्मर को बना रही हूँ, तो इसीलिए ये ऊन कम पड़ गया, तो मैंने ये कलर यूज़ किया है, सेकेंड कलर। अब सभी इन लूज थ्रेड्स को मैं हाइड कर लूँगी क्रोशिए की हेल्प से। इस तरीके से इनको हाइड करके और कट कर लूँगी मैं अंदर की तरफ, रॉन्ग साइड की तरफ हाइड करते हैं। इस तरीके से हाइड करते हुए नॉट लगा के मैं सभी लूज थ्रेड्स को कट कर लूँगी। मैंने सभी लूज थ्रेड्स को हाइड कर लिया है, छिपा दिया है। अब मैं इसको, इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सीव करूँगी। आप चाहें तो ऊन से ही सीव कर सकते हैं, मैं पतले धागे से सीव कर रही हूँ। इस तरीके से रॉन्ग साइड आते हुए एक एक नेट को पकड़ते जाएंगे और सीव करते जाएंगे। इस तरीके से एक एक नीट को पकड़ते जाएं और स्यू करते जाएं।
और सेंटर पे पहुंचने पे इस तरीके से एक एक नेट को यहाँ पे ये उल्टी बुनाई दिखने वाली नेट को पकड़ते जाएं और सीव करते जाएं इस तरीके से, एक एक नेट को पकड़ते जाएं इस तरीके से और सिलते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कम्प्लीटली सीव कर लिया है, ये एरिया डबल कर लिया है इस एरिया को इस तरीके से। और यहाँ पे स्नैप बटन्स लगा लिए हैं, ये देखिए, और यहाँ पे लगाए हैं। इसको साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए मैंने दो पीस लगाए हैं यहाँ पे इस तरीके से, या तो आप इसमें लगाएं या फिर छोटा करने के लिए इसमें लगाएं। इस तरीके से इसको बना लिया है, नेक एरिया बन गया है और ये चेस्ट एरिया। बेसिकली ये चेस्ट को कवर करता है, जो वी कॉलर में से वी पार्ट नज़र आता है उसको कवर करता है। तो बच्चे को या किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो उनको ठंड ना लगे चेस्ट एरिया पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।